अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम है दाऊद, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं। तो एस्ट्रो फोटोग्राफी के बारे में आपको मैंने तीसरी वीडियो में बता दिया था, और आज मैं करके भी दिखाता हूँ अपने रेडमी नोट 7 से। इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ वन प्लस 7T से। तो ये है कि एस्ट्रो फोटोग्राफी ना, जिस जिसके फ़ोन में जी कैम सपोर्ट करता है ना, आप उस मोबाइल से बना सकते हैं। अच्छा, अब बनाने कैसी है वो मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। तो ये मैं ट्राईपोड अभी सेट करके रख लिया है, ये मेरा मोबाइल है इस वक्त। तो देखें अब, तो इस वक्त मैं अपनी छत पे आया हूँ, ये सामने आप चांद देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने रेडमी नोट 7 रखा हुआ है, इसको मैं दिखाता हूँ आपको अभी। ये ट्राईपोड है, छत पर रखा हुआ मैंने। ठीक है, रेडमी नोट 7 को ब्राइटनेस फुल कर लेते हैं, फ्लैश ऑफ, तो ब्राइटनेस फुल। अच्छा, अब आप देखें कि ये मेरे पास जी कैम पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको जी कैम को मैंने ओपन किया, ये आ गया अब जी कैम। इसमें जब मैं नाइट साइड पे जाऊंगा, अंदर से ना मैंने ऑप्शन ऑन की हुई है एस्ट्रो फोटोग्राफी की। वो ऑप्शन कैसे ऑन करनी है, आपने मोड में जाना है, कैमरा में जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है सेटिंग। उसके बाद जब सबसे नीचे ऑप्शन देखेंगे इसका, इस गूगल कैमरे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे एडवांस में जाके यहाँ देखना कि लिखा हुआ है इनेबल एस्ट्रो फोटोग्राफी। ठीक है, दिखाता हूँ अभी आपको, ये लिखा हुआ है इनेबल एस्ट्रो फोटोग्राफी। इसको मैंने इनेबल कर चुका हूँ मैं। ठीक है, इसको इनेबल करने के बाद आप बैक कैमरे वापस आएँ, नाइट साइड में जाएँ। ठीक है, और इसको ना आसमान की तरफ रख के, ये देख सकते हैं आपके सामने, ऐसे रखता हूँ मैं। उसके बाद फोकस आपने फार पे रख देना, और 16:9 पे कर सकते हैं आप, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने ज़्यादा वाइड लेके आना है तो आप इस पे रख दें, क्योंकि आज चांदनी रात है, तो उसकी वजह से ना ये चीज़ क्लियर नहीं आएगी। मीन्स के सितारे इतने वाजिया तौर पर क्लियर नहीं होंगे। तो अभी मैं एक मिनट कैमरा साफ़ कर लूँ अपना। ये कैमरा साफ़ कर लिया मैंने और फोकस फार पर रख दिया, और अब मैं शूट करता हूँ एस्ट्रो फोटोग्राफी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आया टाइमर 1 मिनट और कुछ सेकंड। तो जैसे जैसे ये टाइम लेता जाएगा, वैसे वैसे इसमें बेहतरी आती रहती है। तो चूँकि विंडो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, 1 मिनट गुजरने देते हैं, उसके बाद आते हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं कि 1 मिनट पूरा होने वाला है, ये हो गया पूरा 1 मिनट। अब इसके बाद आप जाएं कैमरे में। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी कैमरा लोडिंग ले रहा है। ठीक है, ये लोडिंग हो रहा है अभी। जैसे ये प्रोसेस होता है, उसके बाद ये प्रोसेस हो गया। अब गैलरी में जाके देखता हूँ मैं तस्वीर कैसी आई है। अच्छा, अब एक्चुअली ये तस्वीर है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अच्छा, अब इस तस्वीर में करना क्या है, आपने कुछ एडिटिंग करनी है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे करनी है एडिटिंग। फोकस हो जाए, नहीं। अच्छा, ये तस्वीर है, इसमें आप देख सकते हैं कि डिटेलिंग देख सकते हैं, स्टार्स वगैरह शायद आपको नज़र आ रहे हो तस्वीर में। आपको जो दिखाई है ना, उस तस्वीर में अभी आपको नज़र नहीं आ रहे होने। ठीक है, ये तस्वीर है, आपने सिंपल तरीका ये करना है, बैक करें, स्नैपसीड में जाएँ, स्नैपस्पीड में जाएँ, स्नैपस्पीड कितने गया है, ये रहा। ठीक है, इसमें जाके आपने ऐड फोटो, ये सबसे लेटेस्ट फ़ोटो जो अभी तक डाली है हमने। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एडिटिंग के कुछ तरीके दिखाता हूँ। इसमें सबसे पहले टूल में जाके आपने ना डिटेलिंग ज़्यादा कर देनी है इसकी, और सेचुरेशन भी ज़्यादा कर देनी है, ये स्ट्रोक शार्पनेस ये भी ज़्यादा कर देनी है। इसके बाद आपने सेलेक्टिव पे जाना, यहाँ पे जाके ब्राइटनेस लो करके स्ट्रक्चर हाई करना है, हर जगह ऐसे ही करना है, ब्राइटनेस लो करके स्ट्रक्चर हाई, ब्राइटनेस लो करके स्ट्रक्चर हाई, ऐसे करते करते ना एक मैं ये टाइम काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं करके दिखाता हूँ, आप पूरा करके बताऊँगा आपको। तो फाइनली ये तस्वीर निकल गई है हमारे पास, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और इसके कुछ और सैम्पल शॉट्स पड़े हुए मेरे पास, चूँकि आज चांद निकला हुआ है, मतलब पूरी चांदनी रात है, जिसकी वजह से ना
लाइट काफ़ी पड़ रही है। अगर आप बिल्कुल डार्क पे करेंगे ना ये चीज़, तो वो ज़्यादा बेस्ट लगेगा। मुझे बताना कि आपको सैम्पल शॉट्स देखने के बाद कैसा लगा, कैसी आपको वीडियो लगी। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में वीडियो की क्वालिटी और दूसरी चीज़ें अच्छी होती रहेंगी, वॉइस वगैरह, तो देखना मत भूलिएगा मेरे पिछले व्लॉग्स, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। आपका मेज़बान दाऊद, अल्लाह हाफिज़। हो गया, उसके बाद इधर से इसको लंबा कर लें। ये ओहो, ये काम खराब हो गया। एक मिनट यार, होता था कुछ नहीं। बना के रखो, आप बना के रखो, कोई नहीं, ये चीज़ें होती रहती हैं साथ साथ ही, चीज़ साथ साथ चलेंगी। ओहो, देसी तरीका देसी तरीके करने हैं, असल में फंस गया बीच में कहाँ पर? यार अब इसको निकालना बहुत मुश्किल है, तो तो हम अगली बार दिखाएंगे आपको। दो मिनट अगली बार दिखाएंगे, सेटअप कर लो, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। ओके।